छात्रों को एग्जाम में कामयाब होने के लिए टिप्स देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लगता है कि अब छात्र उन्हें ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, तभी तो उन पर एक के बाद एक कटाक्ष किए जा रहे हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है मोदी कार्यकाल में लिए गए फैसले, जो कहीं ना कहीं आगे जाकर पार्टी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकते हैं। वैसे भाजपा का साफ कहना है कि वो अगले साल होने वाले चुनाव विकास के दम पर लड़ेगी, लेकिन लोग इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते हैं। दरअसल एक जाने माने न्यूज चैनल ने एक मुद्दे पर लोगों से उनकी राय पूछी कि क्या मंदिर जरूरी है या फिर रोजी रोटी। इसी सवाल पर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। एक शख्स ने कहा है, भाजपा ने कर क्या दिया है? कांग्रेस की बुराई करने वाली इस पार्टी ने नफरत, मजहब, जाति और झूठ के बीज डाले हैं। शख्स ने कहा कि भाजपा झूठ का कारोबार करती है। तो वहीं एक छात्र ने अयोध्या मामले पर यूनिवर्सिटी या अस्पताल बनाने की बात कही। तो वहीं इसी बीच एक छात्र ने शायरी के जरिए मोदी सरकार पर कटाक्ष किया। छात्र ने कहा, मेरे घर से दूर है तेरे घर का किनारा, ट्विटर फेसबुक से पूछ लेते हैं क्या हाल है तुम्हारा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।